पाकिस्तान के अंदर मेरी पहली पंजाबी फिल्म होगी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज ने उठाए। बांद्री वांगू मैनू वेखी जा रहे हो, कुछ बोलो। अगर गवर्नमेंट मेरे साथ बैठकर सिर्फ मीडिया की पॉलिसी बना ले, मैं अगले 10 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम, और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं इफ्तिखार ठाकुर से, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। हमने एक फिल्म बनाई है सुपर पंजाबी के नाम से, जी जो 3 मार्च को रिलीज होने जा रही है। वो एक एक्शन पंजाबी फिल्म है, एक्शन कॉमेडी फिल्म है, लेकिन उसमें जी हम ये बात करना चाहते हैं कि ये जो पोलियो का कतरा होता है उसकी अहमियत क्या है। मेरी बेटियाँ मेरी बहनें अपने घरों को छोड़ के दूर दराज इलाकों में, गांव के अंदर जहां मट्टी धूल, वो बेचारी अपने घर छोड़ के जब वहां लोगों के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जाती हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है। ये लोगों की बेटियां नहीं होती, ये हमारी ही बेटियां होती हैं। इवन यहां तक भी मैंने देखा है कि कुछ एरियाज़ में उनको गोलियाँ मार दी गई, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया। एक पोलियो का बच्चा अगर आपके ख़ानदान में है तो वो एक बच्चा थोड़ी सफ़र कर रहा है, वो पूरा ख़ानदान सफ़र कर रहा है उस बच्चे की वजह से। सो इस फिल्म के अंदर मैं एक छोटी सी लाइन के अंदर ये डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा कि भी पोलियो के कतरे की अहमियत क्या है, और जो लोग ये काम करते हैं जो आप तक पहुँचते हैं वो क्या डिज़र्व करते हैं। लेकिन इसको मैं हार्ड नहीं लेके जाऊँगा, इसको मैं कॉमेडी के अंदर लेके जाऊँगा, एक्शन के अंदर ले जाऊँगा, एक स्टोरी के अंदर लेके जाऊँगा। ये फिल्म पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने जा रही है। ये टोटल मॉडर्न सिनेमा थिएटर है, जो आज टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर है उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई है। अबू अलिया साहब ने इसको डायरेक्ट किया है, इसमें नासिर चिन्योटी साहब हैं, मोहसिन अब्बास हैदर मेरा हीरो है, साइमा बलोच हैं, सना हैं, इसमें सलीम अलबेला साहब हैं, गोगा पसरूरी हैं, और बहुत सारे लोग जो इसके साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई जाए और साथ एक पैगाम भी दिया जाए। और वो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो ये पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मेरी बेटियाँ और मेरी बहनें आती हैं, वो इंतहाई इज्जत के काबिल हैं और उनको उनकी वो इज्जत दी जाए। ऐसे है, और अगर ये सारे मिलकर ये कोशिश करें तो पाकिस्तान से पोलियो का मर्ज ख़त्म हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर मेरी पहली पंजाबी फिल्म होगी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज ने उठाए, इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसका मतलब है कि मेरी फिल्म के अंदर जान थी, जान है, नुकसान का तो डर ही नहीं है। जब स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा कारपोरेट अदारा अगर आपके साथ खड़ा है, आपको तो नुकसान का अंदेशा भी नहीं होना चाहिए। और मेरी ये पहली फिल्म है जो कॉरपोरेट के अंदर, जो कॉरपोरेशन के अंदर जाएगी, जिसके अंदर लाखों लोग मेरे पार्टनर हैं, मेरा 1/3 शेयर स्टॉक एक्सचेंज के पास है, आम आवाम के पास है। अगर मेरी फिल्म पैसे कमा के लाती है तो सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा? हरगिज़ नहीं, मेरे उन तमाम बहन भाइयों को फ़ायदा होगा जिनके 50-50 रुपये के शेयर हैं। और ये पहली फिल्म होगी जो कॉरपोरेट के अंदर जाएगी, और अगर ये सारे मिलकर इसको कॉरपोरेट अदारा बना देते हैं, ये अरबों रुपए कमा के पाकिस्तान में लाए और पाकिस्तान का कर्जा में ऐसे उतारें और गुलामी से निकले। इफ्तिखार ठाकुर कैसे बने आप? मैंने सब जितने भी बड़े फनकार हैं इनसे सुना हुआ है कि भाई हमेशा स्टाइल हिट होता है, अदाकार नहीं हिट होता। मुझे ना तारक टैडी साहब के साथ काम करने का बहुत शौक था, मस्ताना साहब के साथ, बब्बू बराल साहब के साथ, लेकिन वो चांस नहीं आ रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि शखी सरवर साहब जो हैं वो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक ड्रामा है रब्बा इश्क ना हो गई, जिसमें नसीम विक्की साहब हैं, आप हैं, खुशबू साहब हैं और तारक टैडी साहब हैं। बस वो नाम मैंने सुना तारक टैडी साहब का तो उछल गया मैं। वो ड्रामा हुआ रब्बा इश्क ना हो गई, तो उसमें ना जी मुझे झुकते तो तारक टैडी साहब ने किए सबसे ज़्यादा। अच्छा, शायद पहली दफ़ा उस ड्रामे में मैंने जुगतों को काउंटर करना शुरू किया, क्योंकि मुझे उनके साथ काम करने का शौक था। वो एक ड्रामा जो था उसमें एक मेरी लाइन थी झूठ बोलता, वो मशहूर हुई। और एक ड्रामा था बब्बू बराल साहब का कुछ ना कहो, उसमें मैं कहता था एथिकलो। वो दो बातें जो थी वो उन ड्रामों के अंदर मशहूर हुई, और उसके बाद से फिर कंटिन्यू ड्रामा शुरू। स्टेज ड्रामास की तरफ, पहला आपका कौन सा स्टेज ड्रामा था? सबसे पहला ड्रामा मैंने किया जी पेंडो इन ट्रबल।
पेंडू इन ट्रबल। हाँ जी, हाँ जी, ये इस्लामाबाद में था, उसके बाद लियाकत मेमोरियल हॉल में ड्रामे करते रहे, फिर यहाँ आए तो सुहेल अहमद साहब के साथ मैंने ड्रामा किया डबल सवारी। ओके। उसके बाद फीका इन अमरीका, फिर एवरी सिंगल नाइट थिएटर के ऊपर हमने गुजारी। 1996 में मैं यहाँ आया था, 1997 में मैं यूएसए चला गया था, मैंने वहाँ से नाइफा एकेडमी की, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, 2001 में वापस आया, फिर सुहेल अहमद साहब के साथ काम किया। उसके अलावा फिल्म करते हैं, इंटरनेशनल फिल्म, दोनों पंजाब मिलके हम को प्रोडक्शंस करते हैं, और अब जो है ये पहली फिल्म है जो मैंने यहाँ पर सफदर मलक साहब के साथ प्रोड्यूस की है। अच्छा सर, अपने स्टाइल में कोई शेर और जिस टाइम से आप जुगते मारते हैं, थोड़ा सा अगर आप मार के दिखा दें। जुगते हैं तो उसके लिए फिर सामने बंदा जुगतों वाला होना चाहिए, अमानत चंद साहब मेरे पास होने चाहिए, उनका चेहरा, उनका माशाल्लाह। अमानत चंद के ऊपर मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। वैसे तो वो इंसान है, लेकिन घर में जिन्नात आ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा बच्चा है, मैं वापस करो। उसके ऊपर मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है अब तक शायद, हो सकता है कहीं हो, मेरी मालूमात में ना हो, किसी ने हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाई हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं बनाना चाहता हूँ हॉरर कॉमेडी फिल्म, और मैं बनाऊँगा अगले 3-4 महीने में, मैं उसको शुरू करने वाला हूँ। उसमें क्या मसला होता है, VFX टेक्नोलॉजी है ना जी, सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ आपको बैठ के करना है। कराची में सब कुछ मौजूद है, मैं अगले 6 महीने के अंदर वो सारा कुछ लाहौर में भी ले आऊँगा इंशाल्लाह। सर, आपने इंडिया में कितनी फिल्म्स किया? मैंने अब तक 8 फिल्में की जी उनके साथ, उन पंजाब वालों के साथ। तो अभी जो आपने रिसेंटली फिल्म अपनी की है कराची में, जी जी, उसमें और जो इंडिया में आप फिल्म्स कर चुके हैं, अब आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री क्या उस तरीके से वर्क कर रही है या स्टार्ट हुई है अभी? सब कुछ है हमारे पास। कलर ग्रेडिंग के लिए ये पहले बैंकॉक जाते थे या कहीं जाते थे, अब नहीं जाना पड़ेगा, अब तो कराची में सारा कुछ लगा हुआ है, तमाम टेक्नोलॉजी कराची के अंदर मौजूद है। हमारे पास पहले वो लोग नहीं थे जो अकेडमियों से पढ़ के आते थे। मुझे बड़ा फील होता था कि पूरी दुनिया से किसी एक्टर का इंटरव्यू चल रहा है तो वो कह रहे हैं जी मैं फलानी रोशन तेंजा अकेडमी से पढ़ा हुआ हूँ, मैं गौतम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, यहाँ कोई कहता ही नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हुए हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना भी जानते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा इस बात में एक्सपीरियंसड हैं, जल्दी सीख जाते हैं ये। वहाँ तो वो 6-6, 8-8 महीने को कोर्स करके आते हैं, फिर कहीं जा कर सीखते हैं, पढ़ते हैं, थ्योरी करते हैं। यहाँ तो 2 महीने में सीख जाते हैं, 1.5 महीने में सीख जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। अभी मैंने फिल्म जो है वो मैंने 15 दिन में शूट की है। ओके। वरना तो यहाँ 2-2, 3-3 साल सुनते ही रहते हैं कि शूट हो रहा है, हीरोइन यूनान चली गई है, अब 6 महीने के बाद आएगी तो फिर होगा। मैंने तो 15 दिन में फिल्म शूट की, सारी प्रोसेसिंग मुकम्मल करने के बाद मैंने अभी 10-15 दिन पहले फिल्म अनाउंस कर दी थी। यानी 3 महीने के अंदर मैंने फिल्म शूट करके, प्रोसेसिंग करके, अब 3 मार्च को मैं लगाने जा रहा हूँ। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये वक्त है थिएटर का, फिल्म का और मीडिया का। हॉलीवुड, बॉलीवुड और ये जो अभी पंजाब की इंडस्ट्री है, ये इस वक्त कामयाब तरीन इंडस्ट्रीज़ हैं। हम उसमें जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, पहली कोशिश की है, बिलाल लाशारी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ, हैट्स ऑफ। मॉडर्न सिनेमा थिएटर का आगाज़ किया मौला जट से, उसके सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। अच्छा सर, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसपे आप काफ़ी मायूस हुए हो? मायूस तो सिर्फ पॉलिसी से होते हैं, बाकी हमें देखिए पानी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। हम पानी हैं, हम बड़ी स्पीड वाला पानी है, हमारा रास्ता नहीं कोई रोक सकता। अगर कोई हमारे साथ चलता है, गवर्नमेंट हमारे साथ चले ना चले, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें अपना काम करना है, हमें अपने मकसद के लिए दौड़ना है, भागना है, वो कहीं से भी हल हो जाए। हमारे पास, हमें वो सारे रास्ते पता हैं जहाँ से ये सब कुछ हो सकता है। वो बड़ा पुराना ज़माना था, पाकिस्तान टेलीविज़न था एक जी, और यहाँ पर डिजिटल सिनेमा नहीं थे। अब तो डिजिटल मीडिया है, मेरी फिल्म ये सिनेमा नहीं लगाएगा तो मैं डिजिटल पे चला जाऊँगा। चाइना के अंदर इस वक्त 24,000 से 25,000 स्क्रीनें हैं, यानी पूरी दुनिया में जितनी स्क्रीनें हैं उतनी तो चाइना में हैं। ऐसा ही है, मैं अपनी फिल्म चाइना में जाके लगा दूंगा, वो चिंग फांग छूंग करना पड़ेगा ना।
क्या फर्क पड़ेगा, वो उनको साथ ले लेंगे, वरना मैं यूरोप लगा दूंगा फिल्म में, कनाडा लगाऊंगा, यूएसए लगाऊंगा। 1284 स्क्रीनें हैं सिर्फ पंजाबी फिल्म की, 1284 स्क्रीनों के ऊपर मेरा एक शो चले 27 करोड़ रुपया आता है। डेफिनेटली रेवेन्यू एक दिन में निकल आता है। देखिए सॉन्ग गाने अलहदा बिक जाते हैं, वीडियो सॉन्ग अलहदा बिक जाते हैं, सिनेमा पे आपकी फिल्म चली गई, 2 हफ्ते अगर चली, 1 हफ्ता भी चली, उसके बाद OTT पे चली गई, करोड़ों रुपए आते हैं। समझेगा कौन इस बात को, इसकी तगोदो तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही है, उसके लिए पढ़े लिखे लोगों से मिलना पड़ेगा जो ये काम जानते हैं, उसके लिए फिर पढ़ा लिखा भी तो होना ज़रूरी है। सियासतदान तो इस आवाम के बारे में कभी सोचता ही नहीं, वो तो सोचता है अपने बच्चों के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, उनके घर जो हैं वो 8-8, 10-10 कनाल के ऊपर वो हैं, उनके अंदर 20-20 मुलाजिम हैं, 6-6 गाड़ियाँ हैं, वो तो सिर्फ अपने घर की बात सोचता है, पाकिस्तान के लिए तो कुछ सोचते नहीं है। मैं आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ बैठ कर सिर्फ मीडिया की पॉलिसी बना ले कि मीडिया को किस तरह लेके चलना है, मैं अगले 10 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा, जिनसे भी इन्होंने लिया हुआ मैं उतार देता हूँ। सर कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? मैं इनको SMS कर दूंगा। बस मेरे जितने भी प्यारे इसको देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहले पैगाम ये है कि भाई मेरी फिल्म जो है सुपर पंजाबी 3 मार्च को रिलीज़ होने जा रही है वर्ल्ड वाइड, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिल्म जो है इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं इससे बड़े पैसे कमाऊँ या इसकी आमदन मेरे लिए को बहुत ही कुछ लाए, ऐसा नहीं है। मैं काम करता हूँ सुंदस फाउंडेशन के साथ, जहाँ पर हेमोफीलिया और थैलीसीमिया के बच्चे हैं, हम उनके लिए कुछ फंड जनरेट कर सकें दुनिया भर के अंदर, जहाँ भी जिसको भी ज़रूरत हो हॉस्पिटलों के अंदर नई मशीनरी की, तो हम उनके लिए हाज़िर हैं, और हम इस फिल्म से या अपने कितने किसी भी प्रोजेक्ट से आने वाली आमदनी ज़ाय बिल्कुल नहीं करते, इन बच्चों के ऊपर लगाते हैं। थैंक्स, ग्रेट एंड लव यू लाइफ टाइम।